तो हम बात कर रहे हैं कंबाइंड गैस लॉ, या इसी को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। जिस तरह से हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, सभी देशों का अपना अपना एक संविधान है। यानी संविधान का मतलब क्या, आइडियल लॉ, यानी सबों ने इसमें जो है मान लिए, जो ऐसे हम लोग चलेंगे उसी तरह से जो है। सो यहाँ पे कंबाइंड लॉ है, जितना भी लॉ बात किए। चलो जरा संविधान का याद आ गया तो हम पूछ देते हैं, हाउ मेनी टाइम्स टेक टू कंप्लीट आवर इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बता सकते हैं जो कितने समय लगा भारतीय संविधान बनने में, ये क्वेश्चन आप लोगों का रहा, खोजिएगा। चलिए देखिए, तो बॉयल्स लॉ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, चार्ल्स लॉ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कॉन्स्टेंट पी एंड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड कॉन्स्टेंट टी एंड पी। कॉन्स्टेंट रखने का तरीका आपको समझा दिए, जो कैसे आप समझ जाइएगा जो कौन कॉन्स्टेंट है। अब तीनों ही लॉ से हम कह सकते हैं जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन बाई टी अपॉन पी। अब ये भी कह सकते हैं जो पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी, और जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल हो तो वहां प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लाते हैं, जहां यहां पे कह दिया गया है आर। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। क्या बोलिएगा इसको, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो क्लियर हो गया जो कैसे आइडियल गैस इक्वेशन बना है, या इसी को हम लोग कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो जैसे ही आपसे कहा जाए जो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आप क्या कहिएगा, पी भी इक्वल टू एन आर टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन तीनों गैस लॉ के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो चलिए इस पर और आगे कुछ पॉइंट बात करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर। तो हम अब समझे हैं जो पी भी इक्वल टू एन आर टी होता है, इसीलिए आर इक्वल टू पी भी अपॉन एन टी। ठीक, पी क्या है बाबू, तो प्रेशर, और भी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, मोल, और टी क्या है, तो टेम्परेचर। यही बात ना समझते हैं हम लोग। तो अब इसी को हम लोग जो है अलग अलग पॉइंट में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, तो प्रेशर बराबर आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और ये वॉल्यूम जो है, अभी वॉल्यूम ही रहने दीजिए, सेम टर्म, मोल को मोल ही रहने दीजिए, टेम्परेचर को टेम्परेचर ही रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको हम दूसरे टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये देखते रहिए जो कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। तो फोर्स बाय एरिया के जगह हम लेंथ का स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी लेंथ यानी एरिया, हाँ लेंथ का स्क्वायर, और ये वॉल्यूम जो है वे लेंथ का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये मोल ज्यों का त्यों रहा, टेम्परेचर ज्यों का त्यों रहा, समझ रहे हैं बात को, इसको हम लेंथ में बदल दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं जो फोर्स इनटू लेंथ होगा और इधर मोल इनटू टेम्परेचर होगा। अब फोर्स इनटू लेंथ को किस नाम से जानते हैं मालूम है, तो वर्क, यानी लेंथ मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क हो गया। ये मोल का यूनिट ज्यों का त्यों मोल ही रहेगा, और टेम्परेचर ज्यों का त्यों टेम्परेचर ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग वर्क मोल इनटू टेम्परेचर रख सकते हैं। तो ये जो यूनिट ऑफ आर है वे डिपेंड करता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर,
यूनिट ऑफ आर हम लोग कह देंगे, जो यूनिट ऑफ आर डिपेंड ऑन किस पर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो एक और यूनिट आप लोगों को हम समझाते हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो यूनिट ऑफ आर के बारे में बात करें, व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटीएम, प्रेशर किसमें, एटीएम में, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, वन मोल ऑफ गैस अंडर एसटीपी कंडीशन, और एसटीपी में जानते ही हैं टेम्परेचर इतना लिया जाता है, प्रेशर इतना लिया जाता है, और जब बात वन मोल का हो तो ये 22.4 लीटर। तो अभी आप देखें जो R इक्वल टू पी वी इंटू एन टी, यही ना, तो प्रेशर देख लीजिए कितना है 1 atm, वॉल्यूम देख लीजिए कितना है 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल देख लीजिए कितना है 1, और टेम्परेचर देख लीजिए कितना है 273 केल्विन। इतना को जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होगा। तो ये जो आर का जो अभी तक जो यूनिट आपको जहाँ जहाँ जरूरत हुआ हम लोगों को, आज स्पेशली मोल कंसेप्ट में, तो आपको कहते थे जो इतना होता है, आज देख लिए जो आप जैसा आप यूनिट जिस टर्म में आपको आर निकालना चाहें आर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए और इससे पी वी बराबर एन आर टी को, आइडियल गैस इक्वेशन को और एक्सपेंड कर देते हैं। यदि आप मोल पढ़े हुए हैं तो अभी वही पॉइंट एक्सपेंड करेंगे जो कि आप मोल में जानते हैं, और यदि आपको किसी कारणवश लेट से आए और मोल छूट गया तो समझिए अब मोल छूटा नहीं, यानी वॉल्यूम का जो बात हम मोल में करते हैं वही बात सेम यहाँ पे गैस लॉ में। और बहुत सारे बच्चे को बोलते भी हैं जो देखिए ये अब जो है सो हम गैस लॉ का बात करने लगे, इतना किसी को छूट गया, तो ये न समझे जो छूट गया है, यानी अगेन ये गैस लॉ में, तो वही आज सिचुएशन आ गया हम लोगों को गैस लॉ का बात। तो चलिए हम लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन ले लें। पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो आर इक्वल टू पी वी बाय एन टी, तो देखिए पी वन वी वन एन वन टी वन, पी टू वी टू एन टू टी टू, यानी ये यूं समझिए एक मास्टर फार्मूला है, यानी कोई जरूरत नहीं है जो बॉयल्स लॉ कैसा है, चार्ल्स लॉ कैसा है, एवोगाड्रो लॉ कैसा है, गे-लुसैक लॉ कैसा है, सभी लॉ का मिला हुआ है। यानी जहां तक न्यूमेरिकल का बात हो तो डायरेक्ट हम इसी पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर एक सवाल ले लेते हैं, चलिए पहले इसको नोट कीजिए, आप एक सवाल लेते हैं, चलिए इस सवाल को पहले नोट कीजिए और नोट करके जो है ये बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। नोट कर रहे हैं, पॉज कीजिए। चलिए अब इस सवाल का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक, आप ठीक से देखेंगे, सोचेंगे, नहीं बने उससे घबराना नहीं है, बात को समझना है जो कैसे सवाल बनता है, इस बात को पकड़ना है, ठीक ना। तो हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, ये देखिए, ए सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इतना डीएम क्यूब, फर्स्ट टाइम लिखा गया उसको वन कर दीजिए बाबू, इतना डीएम क्यूब, ठीक, एट इतना बार, और ये जो पी वन है वे 0.9 bar, एट 27 degree C, टेम्परेचर 27 degree C, और जैसे ही डिग्री सी हो तो आपको कहे हैं जो इसको किस में बदल दीजिए, केल्विन में, तो 300 केल्विन। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, यानी फिर आपसे कहा जा रहा है जो जब वी वन कह दिए इसका मतलब वी टू, एट इतना बार प्रेशर, तो पी वन कह दिए तो पी टू 0.7 bar, ठीक, और टेम्परेचर टी टू तो 15 degree C,
यानी 15 प्लस 2 73 तो कितना हो जाएगा 888 केल्विन। तो देखिए जैसे ही अब आज के बाद आपको ये लगे जो गैस लॉ का सवाल है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये फार्मूला लिखेंगे P1V1 upon N1 T1 P2 V2 N2 T2, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, समझ गए, चाहे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो गैस लॉ का। अब इसमें देखिए तो किसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे तो लग रहा है जो मोल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो हेयर मोल इज कांस्टेंट, एन यानी मोल इज कांस्टेंट, और दुनिया में जो कांस्टेंट हो जाता है उसका कोई डिमांड नहीं है। सपोज कीजिए आज एग्जाम चल रही है, कोई बच्चा इस बार फेल कर गया, अगले बार परीक्षा दिया फिर फेल कर गया, फिर तो इस तरह से वे कांस्टेंट हो गया, अब उसका दुनिया में कोई डिमांड नहीं रहेगा। तो ये मोल कांस्टेंट है तो इसको आप हटा दीजिए फार्मूला से, तो P1 V1 T1 P2 V2 T2। अब देख लीजिए जो क्या निकालना है आपको, तो V2 निकालना है, तो V2 आप लिख सकते हैं अरेंज करके जो P1 V1 T2 और P2 T1, ठीक। अब आप वैल्यू पुट कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, फाइनली वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना कितना, P1 बराबर देखिए कितना है 0.9, V1 बराबर 2.74 और T2 बराबर 288, फिर P2 बराबर 0.75 और T1 बराबर तो 300। देख लीजिए ये वैल्यू जो पुट किए हैं, इस वैल्यू को गौर से देखिए, इतना को सॉल्यूशन कराने के बाद 3.16 वॉल्यूम का बात है तो DMQ। तो अब इस पर तो सवाल तो कई टाइप का होगा, जैसा कि इस बार मोल कांस्टेंट कर दिए, अगले बार सवाल देंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे, उससे अगले बार में प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, लेकिन वे एक टाइप का क्या हो गया जो आपको डिजिट बदल बदल के सवाल दे रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं, यानी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए अलग अलग फॉर्म में हम तोड़ देते हैं इसको, PV = NRT, तो P तो प्रेशर है और V क्या है वॉल्यूम है, N क्या है नंबर ऑफ मोल है, T क्या है तो टेम्परेचर है, R तो गैस कांस्टेंट है। तो देखिए तो हम PV = W/MRT लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि N = W/M, तो W क्या है तो गिवन वेट और M क्या है तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अगेन हम लोग PM = W/VRT कह सकते हैं, तो PM = DRT, D = W/V और D क्या है तो डेंसिटी है, D जो है डेंसिटी है, ठीक। W तो समझिए गए हैं। अगेन यदि हम ऐसा कर दें जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, R तो हमेशा कांस्टेंट है तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D, M क्या है तो मॉलिक्यूलर वेट लिख दिए हैं, देयरफॉर आप कह सकते हैं M1/M2 तो D1/D2, यानी इस तरह से हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए फिर एक सवाल ले लेते हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को नोट कीजिए और नोट करके पहले अपने से ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद हम मेरा सॉल्यूशन देखिएगा कर रहे हैं। चलिए अब हम बनाते हैं
जो आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है। कैलकुलेट द मास, क्या निकालना है बाबू, मास किसका, ऑफ इतना डीएम क्यूब एन टू एट इतना डिग्री सी एंड इतना प्रेशर। तो मास निकालने के लिए हम लोग कई टाइप का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अभी हम देखे हैं जो पी भी इक्वल टू एन आर टी, देखे तो पी भी इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम आर टी, तो हमको निकालना है मास। तो W इक्वल टू कह सकते हैं जो पी भी एम आर टी, प्रेशर देखिए तो कितना है 0.987 है, वॉल्यूम कितना है 0.120, और मॉलिकुलर वेट N2 का कितना तो 28, ठीक। R का वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर कितना तो T बराबर 150 डिग्री C में 273 जोड़ दीजिए हमेशा, 3 2 3 4 यानी 423। देखिए तो इतना आ गया, अब इतना डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा, जो वैल्यू आ जाएगा वही आ जाएगा मास। तो इतना को सॉल्यूशन करने के बाद 0.095 ग्राम आ जाएगा, समझ गए बात को। तो इस तरह से अब आप कोई भी सवाल आसानी से बना सकते हैं, और यदि बन गया है ये सवाल तो वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 10-12 जगह सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ गए ना। और नहीं बना है तो मत कहीं सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आपका नाम ही खराब होगा, क्यों। चलिए तो आज तक जो हम बात किए वे एक सिंपल सॉफ्ट गैस लॉ था, सिंपल सॉफ्ट गैस लॉ मतलब कोई ज्यादा एडवांस की बात नहीं। आज के बाद जो आपके साथ बात करेंगे वे एक स्टैंडर्ड गैस लॉ आएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए मन से।